नवदीप धाम परिक्रमा ग्रंथ कहाँ है? नवदीप धाम परिक्रमा। करुणावतारम करुणाकरम हे भुजगिन श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे भूमो स्वखलित पादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वय अजाते अपराधानां त्वमैव शरणम् त्वमैव शरणम् प्रभु त्वमैव शरणम् प्रभु। आज से नवदीप धाम परिक्रमा शुरू हुई है। श्री नवदीप धाम परिक्रमा में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों का वर्णन है, दर्शन है। वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से मना है, फिर भी भक्त लोग कुछ वहाँ पहुँचे हैं और नवदीप धाम में भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों का दर्शन कर रहे हैं। नवदीप धाम परिक्रमा है आपके पास? हम श्री चैतन्य शिक्षामृत का पाठ कर रहे थे। उसके अंतर्गत शांत दास्य साख्य वात्सल्य मधुर की बात चल रही थी। श्री चैतन्य महाप्रभु का नवदीप धाम नवदा भक्ति का उद्गम स्थान है। नवदा भक्ति कौन कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम पाद सेवनम वंदनम दस्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये है नवदा भक्ति। श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, वंदन करना, अपने पैरों से भगवान की परिक्रमा करना, पाद सेवनम भगवान के चरण कमलों को, वैष्णवों के चरण कमलों को, गुरुदेव के चरण कमलों को दबाना, अपने पैरों से उनकी सेवा के लिए जाना आना,
सख्य भाव से भगवान की सेवा करना, आत्मनिवेदन भक्ति के रूप में भगवान की सेवा करना। तो यहाँ पे नवदा भक्ति की बात शास्त्रों में आई है। श्रवण भक्ति में क्या श्रवण करना है? श्रवण भक्ति से ही इस जगत में जितना भी भगवत तत्व है प्रकाशित हुआ है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग और कथा प्रसंग, तो महाप्रभु का नवदिम धाम एक एक द्वीप एक एक भक्ति को प्रकट करता है। यहाँ हमारे पास में भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित श्री नवदीप धाम महात्म्य है, उसको हम लोग श्रवण करेंगे 9 दिनों तक। नवदीप धाम महात्म नीचे नहीं है, मिला नहीं, कल निकाली। आज कहाँ कहाँ जाते हैं प्रभु जी, याद है कुछ? ये तो है ही नहीं। कल जाएंगे जी, आज तो रविवार था। आज कहाँ, आज 21 तारीख, थोड़ी 22 है ना, आज आज 21 है। आज कितनी तारीख है? 21 है। आज अच्छा, अधिवास है। ठीक है, कल तो मिल जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है उस शिक्षा के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण से संबंध युक्त होकर के प्रेम करना, ये मुख्य बात है। क्या संबंध हम श्रवण कर रहे थे? शांत और दास्य के बारे में। दास्य भाव सब में है, दास्य भाव कोई ऐसा नहीं है जिसमें दास्य भाव ना हो और भगवान के धाम में पार्षद हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से शांत के बिना कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी सेवा पूरी नहीं हो सकती। दास्य क्या सेवा करेगा अगर उसके पास शांत उपकरण ना हो? तो दास्य शांत से श्रेष्ठ दिखता है, लेकिन प्रकृत रूप से देखा जाए तो दास्य अपने आप में पूर्ण है। जैसे मैंने 2 दिन पहले बतलाया था, शांत अपने आप में पूर्ण है, उसे और कोई रस की जरूरत नहीं है। जो शांत भाव में चला जाता है उसके अंदर कमी महसूस नहीं होती कि मेरे को दास्य भाव मिले,
जहाँ मैं दास्य भाव प्राप्त करूँ, उसके अंदर भावना ही नहीं आती। क्योंकि एक बार रति मतलब रत हो गया, एक बार जुड़ गया जिस भाव से, वो भाव अपने आप में पूर्णता को लेकर के होता है, उसमें कमी नहीं होती। क्यों नहीं कमी होती? क्योंकि उसको नित्य नूतन रूप से, नित्य नवीन रूप से भगवान की सेवा का सुख मिलता है। शांत को सेवा का सुख क्या मिलता है? शांत को सेवकों की सेवा का सुख मिलता है। शांत को भगवान के आनंद का सुख मिलता है, जो कि सेवकों को भी नहीं मिल पाता। जैसे मंजरियां, राधा गोविंद की सेवा में इतने तल्लीन रहती हैं कि उन्हें सखियों के हृदय का भाव, राधा रानी के हृदय का भाव, कृष्ण के हृदय का भाव संचारित होता है। तो संचारी भाव होता है उनके अंदर, उधर से संचारित होता है। तो संचारी भाव में वह लोग भगवान की लीला का पूर्ण आनंद लेती हैं। अब उन संचारी सखियों के जो भाव हैं मंजरियों के भीतर आ रहे हैं, मंजरियों को जो सुख मिल रहा है वो किंकरियां लेती हैं, लेकिन किंकरियों के सुख को मंजरियां नहीं प्राप्त कर पाती। तो इस प्रकार से शांत रस जब मधुर भाव की लीला में, सेवा में शांत भक्त जब जाता है, तो उस वक्त वह इतनी दिव्य, अति दिव्य सेवाओं में होता है जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। मतलब वह पुष्पों का चुंबन करती रहती हैं गोपियां, जिन पे ठाकुर जी विराजमान हुए थे, राधा रानी विराजमान हुई, मंजरियां किंकरियां उनकी अभिलाषा करती रहती। कहें जी वो तो ठाकुर जी की विलासमयी लीला में तो पुष्प मधुर रस वाले ही जाएंगे, वो मूर्ख लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं। मधुर रस वाले कोई शांत भक्त होते हैं? शांत तो शांति है, वो किसी में भी ले जाओ उसको, रस तो आस्वादन करेगा, रस का वाहन करेगा, लेकिन अपना रस उसका कोई नहीं होगा। ये विशेषता है। और ऐसे जो अपने रस में कोई विशेष रूप से नहीं है और दूसरे के रस में पूरी तरह बह जाता है, उसकी अभिलाषा तो ठाकुर जी भी करते हैं और गोपियां किंकरियां भी करती हैं। शांत कितना श्रेष्ठ हो गया अभी, काटो इस बात को, शांत को सबका रस मिल गया, खंडन करो इसका। शांत, शांत रति अद्भुत रति है। शांत रति में दास्य भाव तो होता है, शांत रति में सख्य भाव होता है, वात्सल्य भाव होता है, मधुर भाव होता है, लेकिन तब होता है जब उन भक्तों के बीच में उनका स्पर्श प्राप्त करता है और वह भाव पूरी तरह लेता है, पूरी तरह आत्मसात करता है, तभी वो ट्रांसफर कर पाता है। समझ लगी? समझा सकते हो? जब आपस में खेल करते हो ना, ये चीजों का खेल किया करो, महाराज ने क्या बोला था आपको समझ आया, मेरे को तो ये समझ आया, सुना करो उससे, समझा करो आपस में। दास्यगत रस में स्थाई भाव रूप से प्रेम अर्थात रति ममता द्वारा पुष्ट होकर प्रेम हो जाता है। दास्यगत जो रस है
रस शब्द का प्रयोग किया। रस द्रवीभूत शब्द, द्रवीभूत तत्व के लिए रस का प्रयोग किया जाता है, जो द्रव्य है उसे रस का। लेकिन वास्तविकता में यहाँ प्रेम रस बहु जात है, बह रहा है, ये नदी की तरह नहीं है, ये भावनाओं का बहना है। ये रस भावनाओं का है जिसमें भगवान भी बह जाते हैं। तो ये दास्यगत जो रस है, जब ये स्थाई रूप में आता है, स्थाई रूप में एक सॉलिड रूप में होता है, जिसमें सखा का, सखा जैसा व्यवहार नहीं होता, माता जैसा व्यवहार नहीं होता, मधुर जैसा व्यवहार नहीं होता, लेकिन उनकी छाया जरूर रहती है, भाव रहती, छाया रहती है उनका। जब भाव स्थाई रूप से स्थिर हो जाता है, जहां पे दास्य भाव स्थाई रूप से स्थिर हो जाता है, वही रति या ममता कहलाता है। मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर, वहां रति जो है ममत्व रूप से आती है, और जो पुष्ट हो करके, ममता जब पुष्ट हो जाती है वो प्रेम का रूप धारण करती है। अतएव दास्य रस में रति और प्रेम रूप लक्षण द्वय युक्त स्थाई भाव है। दास्य रस में रति और प्रेम, ये दो लक्षण हैं। रति जो है वह दास्य है, भगवान में रथ पूरी तरह से है, जैसे वो शांत वाला पूरी तरह रथ है, लेकिन उसमें प्रेम युक्त ममत्व भाव नहीं आ पाता, होने पर भी वो प्रकाशित नहीं है। इसमें ममत्व भाव प्रकाशित है, मेरे हैं। शांत वाले के अंदर मैं सबका हूं, इसमें रति के साथ प्रेम युक्त हो जाता है। मुझते वर्चन कोई मौन कोता है, मुझते वर्चन दो, उसमें स्नेह और राग कुछ कुछ रहते हैं, स्नेह और राग, थोड़ा थोड़ा स्नेह होता है, राग होता है, जैसे माता की तरह स्नेह होता है, अनुराग होता है दास्य में, दास्य में जैसे प्यार करेगा तो ऐसा नहीं कि भी नौकर है तो चल जैसा भी कर दिया, प्यार करते हुए मतलब उसके अंदर भी भाव माँ का, यशोदा का, इनके छाया स्वरूप से रहता है, वो रति रहती है छाया स्वरूप से। रति है तो राग भी होगा, है रति है तो राग भी होगा। हाँ, स्नेह रति राग, राग अनुराग। वास्तविकता में देखा जाए तो ब्रज की रज में भी अनुराग है, मधुर है, ब्रज में सब कुछ मधुर रस में, वो मधुरता की चरमोत्कृष्ट सीमा गोपियों ने प्राप्त की है, इसलिए उन्हें मधुर रस की भक्त कहा जाता है, जब मधुर रस का तत्व कहा जाता है, अन्यथा सभी तो मधुर है, कोई तो है ही नहीं ऐसा जो मधुर में नहीं है, कोई है ही नहीं ऐसा जिसमें वात्सल्य भगवान के प्रति ना हो, कोई ऐसा है ही नहीं जो सख्य भाव में ना हो, कोई ऐसा है ही नहीं जो दास्य में ना हो। सभी के सभी होने पर भी सभी शांत के द्वारा, अर्थात शांत मतलब रति, रति के द्वारा ही अगली क्रिया कर पाते हैं। ये बात। और सख्य में क्या है, रति प्रेम उसमें निहित है, पूरी तरह है। दास्य में जो संभ्रम और गौरव थे
वे ही परिपक्व होकर सख्य में विश्रम्भ और अटल विश्वास के रूप में बदल जाते हैं। दास्य में जो संभ्रम और गौरव, संभ्रम का था एक संभ्रांत रूप से, एक बड़ा ही सभ्य स्वरूप से भगवान के प्रति जीव का आकर्षण होता है। संभ्रम में अपने आप को अनुग्रहित समझता है, भगवान की बड़ी कृपा है ये भाव। संभ्रम शब्द का मतलब भ्रम, यहाँ पे भ्रम वो नहीं होगा, उसमें तो भ्रम रहता है कि मेरे को अपनाएंगे दास रूप में। नहीं, अपना चुके वाली की बात है। उसमें संभ्रम मतलब बड़ी कृपा की है, मुझे स्वीकार किया। लेकिन गौरव में मेरे हैं ये, अधिकार से बोलता है दोनों दास। एक में अनुग्रहित समझता है संभ्रम रूप से, एक में गौरव दिखलाता है, मैं इनका हूं ये मेरे हैं। जैसे पिता के रूप में भगवान को देखने वाला वो भी दास्य है, जहां पुत्र की तरह उनको देखने वाला वो भी दास्य है। लेकिन इसमें पिता पुत्र वाला वात्सल्य भाव की बात नहीं हो रही, एक लालित लालन करने के लिए, मैं पालक हूं, ये लाल मेरा लाल्य है, लाला है, इस तरीके से, ए लाला इतकुआ, वो गौरव दास्य है। माधुर्य में भी दास्य, सब में, सब सब में दास्य। ये पांचों के पांचों सब में ओतप्रोत हैं, लेकिन एक में छाया स्वरूप से हैं, एक में मुख्य रूप से हैं, एक में पके हुए हैं, एक में थोड़ा सा छींट है, मिश्रण है हल्का सा। तो इसलिए सख्य रति में कहते हैं, इसमें जो स्थाई भाव है वो प्रणय है। अब प्रणय शब्द का मतलब तो यही होता है कि वो गोपियों का चला गया, लेकिन प्रणय यहां पे स्थाई है। किसमें? सख्य में। दास्य में था संभ्रम और गौरव, और सख्य में है। दास्य में तो ये दो विभाजन है, दोनों विभाजन होने पे भी दास्य है। स्टेजेस है, पहले अनुग्रहित हुआ समझता है, मैं उनका हूं मतलब उनकी कृपा से मेरे को उन्होंने रखा हुआ है दास। और एक है कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये गौरव और संभ्रम की बात है। और ये गौरव और संभ्रम जो है पूर्ण रूप से तो सखा में है ही है, मेरे हैं, मैं उनका हूं, ये तो है ही है। लेकिन स्थाई रूप से प्रणय है। प्रणय मतलब जिसमें लड़ाई झगड़ा प्यार मनाना मानना, जो वार्तालाप विचार विमर्श सब कुछ किया जा सके, वो प्रणय होता है। प्रणय की कलह भी होती है, प्रणय का प्यार प्यार से, यहाँ तक कि कृष्ण को चूमना, कृष्ण की सेवा करना, हाथ पैर दबाना, कृष्ण को खिलाना, कृष्ण से खाना, ये सब कुछ प्रणय में आता है। तो ये सख्य भाव में होता है। कहते इसमें विश्रम्भ या अटल विश्वास। सखा में फिर दो आ जाते हैं, विश्रम्भ और अटल विश्वास के रूप में बदल जाते हैं। इसमें रति प्रेम प्रणय बलवान स्नेह तथा कुछ कुछ राग विद्यमान रहता है। रति शांत, प्रेम दास्य, प्रणय सख्य, बलवान स्नेह आपका वो वात्सल्य, और कुछ कुछ राग विद्यमान रहता है। राग मतलब अंदर की बातें, यह देख ले वो छोरी तो देख रही है ना, देख लियो तो कछु ना है,
निकले तो है चुप रहे, तो बोली मत बोली मत, ए यही छाया रहती है, कुछ कुछ राग रूप में विद्यमान रहता है। वात्सल्य रस में विश्रम्भ अटल विश्वास परिपाक रूप में अनुकंपा हो बढ़ता है। अनुकंपा में प्रबल राग, मैं अगर नहीं इसको खिलाऊंगी तो भूखा ही रह जाएगा। तो भगवान पे भी कृपा का भाव, ये वात्सल्य रति का एक विशेष वो है। मधुर रति के बारे में कहते हैं, श्रृंगार या मधुर भक्ति में कमनीयत्व प्रबल होकर संभ्रम गौरव विश्रम विश्रम अनुकंपा को अपनी सत्ता में परिवर्तित कर लेता है। इससे स्थायी भाव जो प्रियता नाम की रति है, वह प्रेम प्रणय राग द्वारा राग तक भाव द्वारा पुष्ट होती, भाव एवं महाभाव इनमें उदित होते हैं। मधुर रति के विषय में बतला रहे हैं कि जिसमें श्रृंगार या मधुर भक्ति रस में कमनीयत्व प्रबल होकर, कमनीयत्व कामनी या उनका प्रेम कमनीय कहलाता है, कमनीयत्व प्रबल होकर संभ्रम प्रबल होकर अनुकंपित, गौरव ममत्व विश्रम्भ, उस ममत्व के अंदर फिर प्रणय की बातें, और अनुकंपा को, अनुकंपा का मतलब कृपा के रूप में, शुभ चिंतक के रूप में, शुभ चिंतक के रूप में भाव, ये सारा का सारा अपनी सत्ता परिवर्तित कर, मतलब अपनी जो इनकी सत्ता है अपने आप में वो परिवर्तित हो जाती है, पूरी की पूरी इसमें खत्म आओ, मतलब आकर के शांत, एक तरह से जितना शांत दास्य साख्य वात्सल्य है वो पूरी तरह यहाँ आकर के आता तो प्रबल रूप से, लेकिन यहाँ आकर विश्राम प्राप्त कर जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ मधुर भाव जो है वो अत्यंत पुष्ट होता है, तो इन सब भावों का परिपूर्णता उसमें आती है, इस तरीके से यहां कह रहे हैं। भक्ति रसा में सिंधु का ही इसमें लगभग उदाहरण दिया है। हे स्युस्तुल्या मुकुंदस्य ते सखायाय सतांवता सम्यादि विश्रम्भ रूपे शाम्रति सख्यम विहोच्यते गुरुवो हे हरस्य हरिरस्य ते पूज्या इति विश्रुता अनुग्रहमयी ते शाम्रति वात्सल्यमुच्यते इदं लालन भव्याशीषचुम्बक शिशि चीबुक स्पर्शनादि कृता वात्सल्य रस में क्या क्या होता है। गुरवो ये हरस हरेरस्य ते पूज्या इति विश्रुता, जो गुरु हैं जा पूज्य माता हैं पिता हैं इसके रूप में जो सुने जाते हैं, अनुग्रहमयी तेषां रतिर वात्सल्यम उच्यते अनुग्रहमयी तेषां, उनकी कृपा है कि वो कृष्ण का लालन पालन कर रहे हैं, उनकी कृपा है कि वो कृष्ण को शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा कृष्ण के भीतर में भी जो भाव संचारित कर दे
वो वात्सल्य रहती है। कृष्ण में भी ऐसा भाव संचारित करते हैं, वो वात्सल्य रहती है कि मेरे पिताजी ने मेरे को ये सिखाया था, मैं ऐसा करूं। और कहते हैं गुरु ये तो वात्सल्य रूप से ही रहता है ना, गुरु वात्सल्य के रूप में ही है। माता पिता गुरु और श्रेष्ठ जितने जन हैं, बड़े लोग जितने हैं, वो सब गुरु शब्द में जितने भी शिक्षा देने वाले हैं सभी गुरु होते हैं। तो वो कहते हैं गुरुवो ये हरेरस्य ते पूज्या इति विश्रुता। ये सुनने में जो आता है, जो पूज्य हैं भगवान के, वे सर्व ग्रह अनुग्रहमयी तेषां रति, उनकी रति जो अनुग्रहमयी होती, कृपामयी होती है। और कैसे इदम लालन भव्याशीष चिबुक स्पर्शन आदि कृता, उनका लाड लगाना, ए तू चुप हो जा बस, देख अभी आ रही है, देख अभी आ रही, अरे आ रही आ रही आ रही, मुँह कर आकर आकर बिलैया खा जाएगी, नहीं तो आकर आकर खाए गई लालन भव्य आशीष, भगवान को बड़ा हो जा तू, खूब ताकत हो जाए, आशीष देना। और चीबुक स्पर्शन आदि, इसको पूरी गोस्वामी महाराज, पूरी महाराज जी अपने करते थे, ये सब गुरु वो गुरु करते हैं, वात्सल्य रति ऐसी है। और श्रृंगार रति मधुर रति के विषय में, मिथो हरेर मृगाक्षयाश्च संभोगनस्याधिकारणम् मधुरा पर परयाया प्रियताख्योदिता रतिः अस्याम कटाक्ष भ्रू भ्रू एक भ्रू प्रेक भ्रू एक क्षप प्रियवाणी स्मितादय। कहते हैं ये जो मधुर रति है, मिथो हरेर मृगाक्षयाक्ष संभोगनस्यादि कारणम, कहते जहां पे हरि की निगाहें दर्शन, जहां पर श्री हरि का देखना जो है संभोग को उत्पन्न करता है। संभोग शब्द का अर्थ होता है पूर्ण रूप से प्राप्ति का लालसा जगाता है। संभोग शब्द संसार में बड़ा निंदित और घृणित हो गया है। जैसे राम नाम सत्य जो शब्द है संसार में एक अपो बन गया कि भाई वही कोई मर गया क्या, शब के साथ ही बोलना, अगर बोला दूसरे समय में कहे कोई ना कोई मरने वाला भी देख लो, और मरा वो पता नहीं दूर कहता देख लो उसने बोला था इसलिए मरा। इस प्रकार से जो संभोग शब्द है इसका प्रयोग लोगों ने गंदा कर दिया है। संभोग शब्द का अर्थ होता है पूर्ण रूप से प्राप्त करना, पूर्ण रूप से ग्रहण करना। भोग शब्द का अर्थ होता है ग्रहण। जैसे ठाकुर जी को भोग लगाया तो भगवान को भोग लगाने का, भगवान को अर्पण किया, उन्होंने ग्रहण किया। भोग शब्द का अर्थ ग्रहण है। सम मतलब संपूर्ण, सम मतलब जैसा चाहते हैं वैसा, सम जैसा समान वैसा ठीक वैसा संभोग। कहते जिनकी निगाहें, जिनकी हिरण जैसी निगाहें भक्तों के हृदय में परिपूर्ण रूप से समर्पण का भाव उदित कर दे,
और जो मधुरा मधुर अपर पर्याया कहते हैं, जिनकी मधुर रति अपनी और पराई सभी शक्तियों को आकर्षित करे। पराई तो पहली बात कोई शक्ति है नहीं, लेकिन फिर भी माया के द्वारा निर्मित जितनी शक्तियां हैं उनको भी प्रिय प्रियता क्षोदिता उनको भी अपना प्रिय बना ले, ऐसी रति को मधुर कहते हैं। ऐसे अब रति कितने प्रकार की है इसका भेद बतलाते हैं। साधन काल में जीव की जैसी वासना होती है उसी के अनुसार उसकी रति भी होती है। ये बात अब समझने वाली है। साधन काल में जीव की जैसी वासना होती है, अब देखिए वासना शब्द का प्रयोग हुआ, जो हम जैसे इस संसार में रहने वाले मनुष्य हैं उनका वासना शब्द का अर्थ मतलब संसारिक गलत अर्थ में चला गया, लेकिन वासना शब्द का अर्थ है इच्छा। कहते साधन काल में जैसी जिसकी इच्छा होती है अर्थात जिसमें वह व्यक्ति वास कर रहा होता है, वह वासना, ना का अर्थ ना भी होता है और ना का अर्थ हां भी होता है, तो जहां पर जीव जिस वासना के साथ में साधन काल में रहता उसी के अनुसार उसकी रति होती है। यथोत्तरमसौ स्वाद्विशेषोल्लासम् अपि उल्लासमस्यपि रतिर्वासना रतिर्वासनया स्वाद्भि भासते क्वापि कस्यचिद्। स्वार्था परार्था भेद, स्वा अर्था अपने लिए, परार्था दूसरे के लिए का जो भेद है, सामान्या स्वच्छा और शांति भेद। सामान्या रति जो है देखिए कैसे किस किस प्रकार की रति होती है, स्वा अर्था स्वार्थ से युक्त, परार्था दूसरे के स्वार्थ के लिए, ये एक रति है भेद रति। और उसके बाद सामान्य साधारण रति, स्वच्छा और शांति भेद। स्वच्छा स्वच्छ है रति, कोई भी उसमें कलुषता नहीं है, और शांति जैसे ब्रह्म निर्वाण वालों के अंदर कलुषता नहीं होती तो वह स्वच्छा है, लेकिन ब्रह्म निर्वाण के अलावा भी भगवान के प्रति स्वच्छा है, भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण है, और शांति पूर्णतः शांत है, ये भी रति है शांत रति। केवला शंकुला भेद, इस प्रकार केवला शंकुला भेद मतलब केवल केवल भगवान के प्रति रति, शंकुला मतलब सब कुछ सब कुलों को लेकर के, जितने सा उनके एक तो अनन्य एक सांकुला मतलब सा संपूर्ण कुल को लेकर के रति। एक है कृष्ण के प्रति रति है ओनली, एक है कृष्ण राधा जी के प्रति, राधा कृष्ण बलदेव के प्रति रति, एक है संपूर्ण लेकर के, ये है इस रति का दो भाग जो बतलाए। केवला शंकुला मतलब केवल जो है, और शंकुला का अर्थ होता है जिसमें
जिस सदी में भगवान से जुड़े हुआ जो कुछ है उसके प्रति प्रेम। इस प्रकार रति के संबंध में जो भेद दिखलाए गए हैं यहां उनके विषय में अधिक विस्तार से विवेचन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। यहां तो केवल स्थूल विषयों का विचार संक्षेप में प्रस्तुत कर रस तत्व क्या पदार्थ है यही दिखलाया जाएगा। कहते मैं रति के बारे, भक्ति विनोद ठाकुर कहते मैं रति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं। मूल रूप से जो रस तत्व क्या है उसके विषय में मैं बात करूंगा, यही दिखलाया जाएगा। विभाव, विभाव दो प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन दो प्रकार का होता है, आश्रय और विषय। रति जिसमें वर्तमान है वे उसके आधार स्वरूप आश्रय हैं। रति जिनके प्रति प्रभावित प्रभावित हो वे इस रति के विषय हैं। विभाव के बारे में बतला रहे हैं। हमने ये विभाव अनुभाव के विषय में पहले सुना था ना, उसका विस्तार दे रहे हैं। आलंबन और उद्दीपन ये है विभाव, दो प्रकार का। आलंबन किसे कहते हैं? आलंबन कहते हैं जिसमें भाव किसी का अवलंबन करके है, भाव माध्यम है, भाव माध्यम है। ये माध्यम के भीतर दो व्यक्ति और हैं, जैसे उदाहरण के लिए सख्य, ये भाव है। ये भाव जो है ये दो व्यक्तियों के कारण से होगा, उसमें एक व्यक्ति होगा आश्रय और एक होगा विषय। तो जो आश्रय होगा वो विषय के अधीन होगा, विषय मतलब सब्जेक्ट, आश्रय मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में जो है उसको करते हैं भाव। वो सख्य भाव है, मधुर भाव है, जो भी भाव है, उसके तरीका जो है दो हैं। उसके भाव तो सबके जुड़ा सा है ना, उसके लिए तो दोनों दो का होना जरूरी है। कोई भी रस होने पर भी इसमें आलंबन जो आता है, दोप है ना, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जो है उसमें आश्रय और विषय दो हैं। रति जिसमें प्रभावित हो, रति जिसमें वर्तमान है वे उसके आधार स्वरूप आश्रय, मतलब रति सख्य रति जिसमें वर्तमान में आधार स्वरूप में है वह रति उसके प्रति आश्रित है। और रति जिनके प्रति प्रभावित हो, रति जिनके प्रति प्रभावित हो, रति जिसके प्रति प्रभावित हो रही है वो विषय है। रति का आधार सख्य भाव का जो आधार है वो सखा है, उसे आश्रय कहते हैं। किस भाव के आश्रय में है? सख्य भाव के आश्रय में। सख्य भाव के आश्रय में होने पे वो सखा है, लेकिन यही सख्य भाव जिसके लिए दौड़ा जा रहा है वो विषय है। समझ आई बात? सोना मत, तब समझ आएगा। एक सखा भगवान से जो प्रेम करता है उस प्रेम का नाम सख्य भाव है, सखा भाव। सखा तभी है जब उसके अंदर सखा रूपी भाव है। ये भाव उसमें होने के नाते ये उस भाव का आश्रय, मतलब उसके उसकी शैडो में है, उसके आश्रय में है, जैसे हम इस घर के आश्रय में। तो जो सख्य भाव के आश्रय में है तो सख्य भाव उससे क्या हो गया? श्रेष्ठ हो गया।
लेकिन वही सख्य भाव जिसके प्रति दौड़ रहा है वो है विषय, ठीक है। एक है आश्रय और एक है विषय। जीव रति के आश्रय हैं, जीव रति के आश्रय हैं। ये मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, उसको तरुण ठाकुर जी ने क्लियर कर दिया। जीव जो है उसी रति के आश्रय है। दो अर्थ होते हैं आश्रय के, एक होता है रति के अधीन और एक होता है रति जिनके अधीन हो। दोनों ही आश्रय है। रति का माध्यम मतलब जिनके द्वारा रति की जाती है। हाँ, वो रति उनके आश्रय में होगी। जैसे सख्य, हाँ। सखा जो है वो एक दृष्टि से देखा जाए तो सखा भाव के अंडर में सखा है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए सखा भाव सखा के अंडर में है। सखा है तो सखा भाव है, सखा है तभी सखा भाव है, लेकिन सखा भाव है तभी तो सखा है। तो इसलिए ये दोनों ही आश्रय तत्व हैं, इसलिए कहते हैं जीव रति के आश्रय हैं, कृष्ण रति के विषय हैं। रति यहां पे मुख्य हो गई। रति का मतलब भाव, कौन सा भाव, जैसे सखा है या कुछ और है। वो जो रति के आश्रय जीव हैं, रति के विषय हो गए कृष्ण, वो रति आपकी कैसी है उस पर डिपेंड करता है आगे। इसलिए हमारी विचार्य रति को कृष्ण रति कह सकते हैं। इसलिए हम जिसके ऊपर विचार कर रहे हैं, जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उस रति को कृष्ण रति कह सकते हैं। अब वह कृष्ण रति किस प्रकार की है वो अपने अपने ऊपर डिपेंड। कहते वही रति रसता प्राप्त कर कृष्ण भक्ति रस कहलाती है। वही रति जब रसता प्राप्त करती है, शब्दों का प्रयोग ना इतना भयंकर है। रति सखा भाव, यही रति सखा भाव जो है, जब उस सखा भाव होना ही नहीं बड़ी बात है। सखा भाव में दो सखा जब आपस में वार्तालाप करते एक प्रकार का रस उत्पन्न होता है। वह जो रस है वह जब प्रेम की कला है, आप कृष्ण को अपना सखा मानते, वो आपको अपना सखा मानते, लेकिन इन दोनों सखाओं के बीच में कोई वार्तालाप ना हो, कोई रस की आदान प्रदान ना हो, तो वो रति तो है लेकिन रस विहीन है। इसलिए रस युक्त होने पर क्या होता है, वही भक्ति रस कहलाती, कृष्ण भक्ति रस भाविता मती। ये कृष्ण भक्ति रस, कृष्ण की सेवा में जो रस है, भक्ति जो भक्ति, दास्य भक्ति, सख्य वत्सी, रति बोलो, भक्ति बोलो, भाव बोलो, कुछ भी, तो कृष्ण भक्ति रस तब होता है जब कृष्ण भी ले रहा है, भक्त भी ले रहा है, लेकिन दोनों ले नहीं रहे, दोनों दे रहे हैं। समझ आए कुछ, बाद में समझना, अभी समय हो गया, पंचम अष्टम में हो गया।